नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चने की दाल की नमकीन बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी कुरकुरी बनेगी, तो बाहर से लेने के बजाय आप कोशिश करें घर में ही बनाइए। बहुत इजी रेसिपी है, चलिए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये एक कटोरी चने की दाल ली है। तो इसको मैंने अच्छे से धो करके देखिए इस तरह पानी में भिगोया है, और इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। जो मीठा सोडा होता है वो आधा चम्मच आप ज़रूर डालें, और अच्छे से धोकर इसको ऊपर तक भिगो कर रख दें सोडे के साथ, मीठा सोडा जो है। और इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप रखें या फिर रात भर के लिए। और फिर देखिए, इसको पानी में हमें निकाल करके चलनी में डाल के और इसका पानी सुखा लेना है। उसके बाद इसे आप इस तरह के कॉटन के सूखे कपड़े पर डालें और इसे फैला दें और पंखा चला दें। तो इसे लगभग 1 से 1.5 घंटा आप सुखा दें, बहुत अच्छे से सूख जाएगी। इसको हमें सुखाना नहीं है बहुत, बस इसका पानी हटाना है। तो देखिए 1 घंटे में ये इस तरह की हो गई है, इसकी नमी हट गई है सारी ऊपर से। तो बस इतना ही हमें सुखाना, ज़्यादा सुखाएंगे तो अच्छी नमकीन नहीं बनेगी। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया। आप तेल कम ही रखें, बहुत ज़्यादा ना भरें, क्योंकि इस तरह से झाग ऊपर उठ के आता है, क्योंकि दाल में नमी होती है। और थोड़ा थोड़ा करके आप दाल डालें। देखिए मैंने 1 चमचे में ली है और उतनी ही डाली है। और इसको आप इस तरह से मिलाइए, पहले तेल गरम हो और फिर मीडियम हीट हो। और देखिए सिर्फ 4 मिनट में ये ऊपर आ जाए कि दाल ऊपर आ गई, इसका मतलब है कि दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और थोड़ा ज़्यादा आपको कलर चेंज करना है तो आप और कुक कर लें, पर निकाल ही लें ऊपर आने पर, नहीं तो कई बार थोड़ी कड़क हो जाती है दाल, वैसी बन जाएगी। तो ये देखिए, तेल भी इसने नहीं सोक किया है और कितनी बढ़िया दाल बन के तैयार हुई है सिर्फ 4 मिनट में। तो दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। और इसी तरह से इसको आप पहले तो हीट अच्छी रखें, बाद में आप मीडियम कर दें और कढ़ाई में तेल कम रखें, तो थोड़ी थोड़ी दाल बनाएं। तो देखिए फिर से बन गई है दाल अच्छे से, सिर्फ 4 मिनट में आप निकाल लें ये रेडी। जैसे ही ऊपर आएगी इसका मतलब है दाल रेडी है। तो देखिए मैंने इतनी दाल बना ली है। और ऑयल आप इस तरह से हटा लें पेपर से, लेकिन इसे ज़्यादा ऑयल सोक नहीं किया है। और देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, बहुत ही क्रिस्प और कुरकुरी दाल बनी है। तो आइए इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। तो थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर। तो आप बहुत तीखे मसाले ना डालें, बहुत तेज़ मसाले ना डालें, हल्के ही मसाले डालें तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसे अच्छे से मिला लें और ये देखिए सर्व कीजिए। 1 कटोरी चने की दाल से घर में इतनी अच्छी दाल बन गई है, ऑयल भी कम सोक किया है। तो आप इस तरह से एक कुरकुरी टेस्टी दाल घर में बनाइए नमकीन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।